नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में हमने एक सीरीज शुरू की थी वर्ड एंड न्यूज की। वर्ड एंड न्यूज की सीरीज में क्या था कि कोई भी वर्ड जो चर्चा में रहता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी संभावना होती है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ सके, क्योंकि आप देखोगे कि यूपीएससी हर साल दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही, और स्टेट पीसीएस में तो खैर भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड ठाके दे देंगे कि ये वर्ड अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या था, या फिर उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक न्यूज या उससे रिलेटेड कुछ डीप न्यूज ये पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमने वर्ड एंड न्यूज शुरू की है, क्योंकि तीन चार क्वेश्चन होने का मतलब है कि अपने आप में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, और आप देखोगे तीन चार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए अभी हाल ही में एक वर्ड चर्चा में रहा, मित्रा क्रिएटर। अब ये मित्रा क्रिएटर चर्चा में क्यों रहा, क्या इसकी इंपोर्टेंस है और हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। लेकिन देखने शुरू करने से पहले इतना ही, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए, और थोड़ा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं मित्रा क्रिएटर क्या है। देखिए, अभी हाल ही में पहला तो ये चर्चा में क्यों रहा मित्रा क्रिएटर, ये चर्चा में इसलिए रहा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, यानी जिसे कि मदर स्पेस क्राफ्ट भी बोलते हैं चंद्रयान का, उसने चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढे जिसका नाम था कि मित्रा क्रेटर, उसका पता लगाया। यानी उसका पता क्या, उसका पता तो पहले से ही था, उसको लक्षित किया, जैसे कि 20वीं शताब्दी में उसका नामकरण किया गया था। यानी अब यहाँ से हमारे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो कि अब जो था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने एक चंद्रमा पर उपस्थित गड्ढे, मित्रा क्रेटर, यानी क्रेटर क्या होता है, गड्ढा होता है, उसको लक्षित किया, और जो जिसका नामकरण किया गया था 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 से लेकर 2000 के बीच में। अब वो कब किया गया था ये हम आगे देखेंगे। वैसे वो 1970 के दशक में उसका नामकरण किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला तो चंद्रयान 2 मिशन ही हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और उसके द्वारा किसी चीज का स्टार्टिंग में ही सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले उसको किसी चीज को लक्षित किया जा रहा है। और ये वर्ड भी हमारे ही एक साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है, इस क्रिएटर का, मित्रा क्रिएटर, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हम इसको आज पूरा डीपली देखेंगे। ये भी देखेंगे कौन सी संस्था इनका नामकरण करती है जो क्रिएटर होते हैं, और क्या क्या इसकी प्रोसीजर होती है। तो ठीक है, लेकिन एक बार आप ये जो मित्रा क्रिएटर है, ये क्रिएटर ही देख लीजिए चंद्रमा पर। तो देखिए, ये है मून हमारा, यानी ये मून है। अब यहां पर आप देखोगे जैसे हम इसे जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद में ये यहां पर ये साइड, ये जो जैक्सन है ये काफी बड़ा है, ये जैक्सन इसके पास में है, ये है हमारा मित्रा क्रेटर। अब इसके बारे में ये भी देख लीजिए कि इसका जो डायमीटर है वो 97.0961 किलोमीटर है, और शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो इसके पास में आप देखोगे कि ये एकमात्र ऐसा क्रेटर नहीं है, यहाँ पर जिन कितने चंद्रमा पर बहुत सारे ऐसे क्रेटर हैं जिनका नामकरण किया जा चुका है। तो ये अकेला नहीं है, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अपना वहां पर जाकर और चीजें देख लेते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मित्रा क्रिएटर है, ये क्रिएटर है क्या, और ये चर्चा में तो था लेकिन अब ये होता क्या है। देखो, चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढा है ये जो क्रेटर है, इसका नामकरण वर्ष 1970 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री और रेडियो विज्ञानी प्रोफेसर शिशिर कुमार मिश्रा, तो मित्रा। अब इनका आपको ये नाम ध्यान रखना है, जो शिशिर कुमार मिश्रा है ये, और मित्रा क्रेटर के रूप में भी किया गया है, यानी शिशिर कुमार मित्रा या फिर मित्रा क्रिएटर के नाम से इनको जाना जाता है। अब मित्रा क्रिएटर का और यह नाम प्रोफेसर मित्रा की मृत्यु के 7 साल बाद, यानी 1970 में ग्रहों की प्रणाली का नामकरण करने वाले। अब पहले ये देखते हैं कि जो प्रोफेसर मित्रा थे उनकी मृत्यु के 7 वर्ष बाद, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु फिर हुई 63 में, इसी के तो 7 वर्ष बाद 1970 आया, तो नामकरण करने वाले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब ग्रहों का नामकरण करने वाली प्रणाली कौन सी है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी जरूरी नहीं खाली आपसे पूछ ले कि मित्रा क्रिएटर क्या है, और ये भी पूछ सकता है आपसे कि मित्रा क्रिएटर के साथ साथ दो तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मित्रा क्रिएटर चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढा है, क्या इनका जो नामकरण है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्लेनेटरी सिस्टम नामकरण के कार्य समूह द्वारा किया गया,
तो हो सकता है आपको ये चीज ना पता हो। अगर पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हो सकता है आप गलत करें, वहां पर आप जाएं अटेम्प्ट करें। तो उससे अच्छा है चीजों को हम अच्छे डीपली समझें, क्योंकि यूपीएससी अब ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं देख रहा, यूपीएससी देख रहा है आपकी डीप नॉलेज, आपकी कैसी स्मार्टनेस है। कम से कम प्री में तो वो यही चीजों पर ध्यान दे रहा है पूरी तरह से। तो इसका जो नामकरण है, पहला तो ग्रहों का नामकरण कौन करता है? आईएयू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब इसके प्लेनेटरी सिस्टम नामकरण के कार्य समूह यानी वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम नॉमिकल्चर WGPSN के द्वारा इसका नामकरण किया गया, यानी WGPSN के द्वारा इसको मित्रा नाम दिया गया। अब चंद्रमा पर ये अकेला क्रेटर नहीं है जो कि भारतीय वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है, ऐसे और भी क्रेटर हैं जैसे भाभा क्रेटर, साराभाई क्रेटर, सीवी रमन क्रेटर, जे सी बोस क्रेटर, आर्यभट्ट क्रेटर, ये और भी क्रेटर हैं जो कि भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर इनके नाम रखे हुए हैं। मित्रा क्रेटर का व्यास जैसे कि बता चुका लगभग 92 किलोमीटर है, जो कि 91.09 के समथिंग था, तो इसलिए लगभग 92 किलोमीटर है, और इसकी गहराई का कोई अब तक पता नहीं लगा पाया है। यानी इसका व्यास तो हमने पता लगा लिया, इसका डायमीटर तो हमने पता लगा लिया, लेकिन ये गहरा कितना है इसका अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं, जो मित्रा क्रेटर है इसका। अब जो क्रेटर होते हैं वो होते क्या हैं? देखिए, जो खगोलीय पिंडों की सतह पर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के गिरने, ज्वालामुखी के फटने, भूगर्भ में विस्फोट या फिर किसी अन्य विस्फोटक ढंग से बनने वाले लगभग गोल आकार के विशाल गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। अब पृथ्वी और खगोलीय पिंडों पर क्या अंतर है? देखो, पृथ्वी पर एक ये भी है कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर न्यूक्लियर विस्फोट या फिर मानवकृत और भी तरीके से गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, लेकिन मानवकृत गड्ढे खगोलीय पिंडों पर तो संभव है नहीं, क्योंकि वहां पर तो जीवन है नहीं, अभी मानव है नहीं वहां पर। तो वहां पर गड्ढे फिर बनते किस हिसाब से? वहां पर बनते हैं कि उल्का पिंड कोई गिर गया, या फिर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर किसी भूगर्भ में यानी यानी जो उनकी सतह होती है वहां पर इंटरनल विस्फोट हुआ, इंटरनल एनर्जी से कोई विस्फोट हुआ, या किसी अन्य प्रकार से कोई विस्फोट हुआ, तो उससे बनने वाला जो गोल आकार का एक विशाल गड्ढा होता है ना, उसको बोलते हैं क्रेटर। और क्रेटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रहार क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर और धसाव क्रेटर, विस्फोट क्रेटर और बिल क्रेटर और मार क्रेटर। अब ये क्रेटर के कई प्रकार हैं। अब इनमें से जो हमारा मित्रा है वो किस प्रकार का क्रेटर है? मित्रा है प्रहार या फिर इम्पैक्ट प्रकार का क्रेटर, यानी मित्रा एक प्रहार या इम्पैक्ट प्रकार का क्रेटर है। और दो चीज और कि जो हमारे लिए जानने जरूरी है कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है जो मित्रा क्रेटर है, और इसको चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरे में कैद किया गया। यानी कहां पर स्थित है ये? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, और इसको कैद किसने किया? इसको कैद किया चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरे ने। और 25 केल्विन यानी -248 डिग्री सेल्सियस पर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है, यानी कि जो सौर मंडल का जो सबसे ठंडे स्थान है उनमें से चंद्रमा का एक स्थान यानी जो चंद्रमा का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वो भी एक आता है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो -248 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर कि हमारा मित्रा क्रेटर उपस्थित है, यानी मित्रा क्रेटर है जिसको कि शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर नाम दिया गया। अब जो इसका नामकरण होता है, यानी जो लूनार क्रेटरों का जो नामकरण होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, देखो, चंद्रमा के क्रेटरों के नामकरण की पहली कोशिश के तहत KB सिंगारेवा और GA बुरवा द्वारा अपनी पुस्तक द लूनार नोमेनक्लेचर द रिवर्स साइड ऑफ द मून वर्ष 1961-1973 के दौरान लिखी गई। आप सोच सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए जानकारी के लिए कोई इतनी हमको याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि यूपीएससी जब कोई टॉपिक दे रहा है आपको, शायद स्टेट PCS में ना पूछें, शायद बुक का ही नाम पूछ लें बस, लेकिन यूपीएससी में आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पूरा बोलें। कोई अगर क्रिएटर के बारे में चाह रहे हैं तो वो पूरी जानकारी इससे लें आपसे, कि आपको पता भी है, आपने सही ढंग से पढ़ा भी या नहीं। तो हमको एक हल्की इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमको हल्का ध्यान भी आ जाए, GS हम भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन जरूरी होता है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद वहां पर चीजें थोड़ा हल्का सा माइंड में आ भी जाए तो हम लेमिनेट कर देते हैं चीजों को। तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि KB सिंगारेवा और GA बुरवा इन्होंने पहली कोशिश की थी नामकरण की, और इसके लिए इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थी, GA बुरवा और KB सिंगारेवा ने, द लूनार नोमेनक्लेचर द रिवर्स साइड ऑफ द मून, और इसको इन्होंने 1961 से लेकर 1973 के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी।
और 1963 में हमारे जो शिशिर कुमार मित्रा हैं इनकी मृत्यु हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा वर्ष 1973 में एक संकल्प के दौरान गड्ढा और गड्ढे जैसी संरचनाओं को खगोलविद या प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के मरणोपरांत उनके नाम दिए गए हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके द्वारा 1973 से यह प्रणाली शुरू की गई कि जो प्रतिष्ठित खगोलविद हैं या फिर जो वैज्ञानिक हैं उनके मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर जो चंद्रमा पर गड्ढे हैं यानी जो क्रेटर हैं उनका नाम उन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रख दिया जाएगा। और ये प्रणाली कब शुरू की? ये प्रणाली शुरू की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 1973 में यानी 1973 में। अब एक और चीज़ जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि जो चंद्रमा पर जो पहाड़ हैं उनको तो पृथ्वी के पहाड़ों के भौगोलिक नामों की तरह नाम दिया गया है, लेकिन जबकि जो अंधेरी गहरी सतह हैं उनको मनुष्यों की मानसिक स्थिति के अनुरूप नाम दिया गया है। यानी ये अंतर है चंद्रमा पर नामकरण की प्रणाली में कि जो पहाड़ हैं उनको तो पृथ्वी पर जो पहाड़ होते हैं पर्वत होते हैं उनके आधार पर नाम दिया गया है, लेकिन जो गहरी अंधेरी सतह है उनको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जो मनुष्य है यानी जो मानव है उसकी मानसिक स्थिति यानी जो उसकी मेंटल सिचुएशन है उसके आधार पर जो गहरी अंधेरी सतह है उनको नाम दिया गया है चंद्रमा पर। तो उम्मीद करता हूं पूरा मित्रा क्रेटर इसकी नामकरण की प्रणाली क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सारी चीज़ आपके समझ आ चुकी होंगी। एक बार फिर देख लीजिए, ये जैसे कि बताया वहाँ पर जैक्सन, ये काफ़ी बड़ा है, इसके साइड में ये प्रहार प्रणा जो प्रहार जो क्रेटरों के कई प्रकार होते हैं उसमें प्रहार प्रकार का मित्रा ये क्रेटर है हमारा, ये जो कि शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर इसका नामकरण दिया किया गया है। चंद्रमा चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है यानी इसका जो मदर स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा इसका भी हाल में चित्र खींचा गया है और भेजा गया है। तो स्टार्टिंग चित्र है इसलिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, और भारतीय वैज्ञानिक के नाम के आधार पर क्रिएटर है इसलिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर कोई और सुजेशन है तो वो भी हमें कमेंट करके, कोई कमी लगती है आपको या कोई भी बात है तो वो हमें कमेंट करके बताइए। तो थैंक्स दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।